जय हिंद सभी को। देखो परेशानी कहाँ था, अगर आप एक भी वर्ड क्या करते हैं निकाल देते हो जल्दी, क्योंकि श्रेणी क्रम में है। अगर बगड़िया की जय, कोई सेंस है इस बात की? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ा गया है, देखो यही है, एक के बाद एक ही तो जोड़ा है ना तीनों को, एक के बाद एक। सब क्या देखना पड़ रहा है? समांतर श्रेणी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अब देखो अगर हम क्या करते हैं कि बल्ब एक मिनट से निकाल देते हैं, खास बात क्या होगी? तीनों जलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जलेगा। बल्ब जब जलता है तो बहुत ज्यादा ग्लो करता है कि नहीं? अब हम लोग क्या देखते हैं, पैरेलल वाला यानी समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होना चाहिए, ज्यादा जलना चाहिए। हमेशा समांतर क्रम में ही क्या होता है, घर का दीप जलता है। इतना बात याद रखिएगा। अब हम ये बड़ी अच्छी बात कही आप, एक बार समझ में आ गया सर? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध के बारे में, ये रेजिस्टेंस, हम लोग पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध होता क्या है, प्रतिरोध आप लोग जानते हो कि देखिए धारा का प्रवाह में रुकावट, यानी कभी भी करंट को अपोज करने वाला, यानी कोई भी वस्तु हो, कोई भी आपका विद्युत अप्लायंसेस हो, मतलब कोई भी आपका यंत्र हो विद्युत से चलने वाला, अगर वो करंट को रोक रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध है। जैसे आप क्या करते हो, करंट को ऐसे पकड़ लेते हो, कभी कभी करंट आपको भी लगता है, तो करंट को आप भी रोकने का काम करते हो, तभी तक करंट लगता है ना, नहीं तो आप क्या देखते हो, जैसे कि मान लो बल्ब है, तो बल्ब भी क्या करता है, करंट को रोकता है तभी जलता है, ये तो बात परफेक्ट वाली बात है एकदम। तो कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो, अगर करंट को रोक रहा है तो वो प्रतिरोध है। क्या बात समझ में आ रहा है? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी धारा का प्रवाह में रुकावट, यानी करंट के फ्लो में अगर कोई भी रुकावट बनती है तो वही क्या है, प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस है। क्या इतना बात समझ गया? अब देखिए यहाँ पर हमारा जो बल्ब है, बल्ब भी क्या करेगा, करंट को कुछ ना कुछ रोकेगा, तभी तो चलेगा ना। तो यहाँ पर कनेक्ट करने का मतलब है कि ये तीनों के तीनों बल्ब क्या करेंगे, हमारे करंट को रोकने वाले। क्या बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें हम लोग प्रतिरोध में दो तरीके का संयोजन करते हैं, दोनों को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए एक तरीके का संयोजन कैसे होता है, कि मान लीजिए कि एक तरीके में श्रेणी क्रम संयोजन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या करते हैं कि इस तरीके से बल्ब अल्टरनेट रहता है, हाँ इस तरीके से बल्ब को हम यहाँ पर बल्ब जोड़ रहे हैं, आप लोग क्या जोड़ते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, फिगर याद है ना? यस सर। इस तरीके से 10th क्लास में यही पढ़ा था, है ना? फिर इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यही प्रतिरोध का बल्ब भी काम करेगा, जो जैसे 100 वाट का अगर बल्ब, हमारे पास 100 वाट का बल्ब है, तो बताया जाता है कि लगभग प्रतिरोध उसका जो होता है 9 ओम का होता है, यानी ये देखिए 9 ओम से क्या करेगा, करंट को रोकेगा। कहते हैं आसमान में आ गया। अब देखिए प्रतिरोध के संयोजन में क्या होता है कि अगर कभी भी बल्ब, प्रतिरोध का मतलब बल्ब ही तो धारा को रोकेगा ना, करंट को रोकेगा, तो बल्ब भी क्या है, प्रतिरोध, इतना तो बात पता चल गया है ना। अब यहाँ पर देखिए अगर ये एक के बाद एक जोड़ दिया गया तो ये कौन सा क्रम है हमारा, श्रेणी क्रम। दो क्रम होते हैं, दोनों क्रम को समझना, ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है, यानी ये सीरीज है, कौन वाला है, कॉम्बिनेशन है, समझिएगा, ये सीरीज क्या है, कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं कि इस समय इसका जो फॉर्मूला होता है लगातार, यानी एक के बाद एक जोड़ा रहे तो सबको क्या कर दोगे, क्या बात समझ में आ गया, सबको आराम से जोड़ दोगे, और सबको आराम से जोड़ेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 9, तो कितना आएगा, 9 9 9, यानी 27 ओम। यानी कभी भी अगर बल्ब को हम कैसे जोड़ दें, एक बार में जोड़ दें, यानी लगातार जोड़ दें, तो वो कितना रुकता है, 27 ओम, बहुत ज्यादा करंट रोकेगा ना, यानी बल्ब कम चलना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा, देखिए 9 ओम रोक ले रहा है तो बल्ब क्या चलना चाहिए, कम चलना चाहिए इस केस में। अब एक दूसरा केस होता है, दूसरा केस को भी समझते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरा केस समझते हैं, दूसरा केस, दूसरा क्या रहता है, पैरेलल, हाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं इसको, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा, समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोग, यही बोलते हैं। समांतर में कैसे कैसे जोड़े रहते हैं, तो समांतर में क्या करते हैं, एक के बाद एक जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, एक के बाद, तो बल्ब जोड़ रहे हैं, प्रतिरोध है वो, है ना, इस तरीके से, तो बल्ब हम तीन को जोड़ दिए। अब देखिएगा समझिएगा यहाँ से, कभी ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन निकले हैं, बस समझना है। एक के बाद एक जोड़ दिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, एक बटा आर बराबर में एक बटा आर वन प्लस एक बटा आर टू प्लस एक बटा आर थ्री। इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, इसमें बाई में करके होता है, ये पता है। यहाँ पर अगर एक बटा नौ एक बटा नौ एक बटा नौ, क्योंकि तीनों के तीनों बल्ब कितना का है, 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है,
ये भी 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है, क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 बटा आर, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 बटा आर बराबर आएगा 9, एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 बटा 9, 1 बटा आर बराबर कितना आ रहा है 3 बटा 9, तो यहाँ पर आर बराबर कितना आ जाएगा 9 बटा 3 आएगा, और ये कितना जाएगा 3। देखो अंतर समझो, जहां पर आप देख रहे हो जहां पर श्रेणी क्रम में 27 ओम से धारा रोकेगा, बहुत ज्यादा धारा रोकेगा ना, 27 बहुत ज्यादा मान होता है, तो 27 ओम से धारा रोकेगा, वहां पर पैरेलल में समांतर क्रम में केवल 3 ओम थे, यानी पैरेलल में अगर बल्ब को जोड़ेंगे हम तो यहां पर धारा को कम रोक रहा है, यानी बल्ब बहुत तेजी से जलना चाहिए, और यहां पर ये करंट क्या चीज बहुत ज्यादा रुक रहा है 27 ओम से, इसमें क्या चलना चाहिए बल्ब कम चलना चाहिए। अब दोनों को एक एक बार करके देख लेते हैं। देखो अब आगे श्रेणी क्रम करते हैं, श्रेणी क्रम में कैसे करते हैं, एक के बाद एक जोड़ते हैं, ये वो वाला बल्ब का एक बल्ब का पहला सिरा दूसरे से जुड़ जाएगा, हां एक बल्ब का इस तरीके से पहला सिरा हम जोड़ देते हैं इस तरह, कोई दिक्कत नहीं, घंटी नहीं बजा, देखो श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ा गया है, देखो यही है एक के बाद एक ही तो जोड़े हैं ना तीनों को, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब इसको क्या करते हैं इस तरीके से लटका देते हैं, बस ये याद रखना कि श्रेणी क्रम में बस थोड़े टाइम के लिए बस करना है, डिम चलना चाहिए ना, डिम चलेगा मान लो नहीं सर बिना बड़ा दिया आपने, ठीक एकदम क्या चल रहा है ये सर सामने वाला ठीक है ये देखो दिक्कत कहाँ आती है ना, श्रेणी क्रम बहुत नुकसान वाला हमारा क्रम है, आपके घर में जो वायरिंग होता है समांतर क्रम होता है, देखो परेशानी कहाँ आता है अगर आप एक भी बल्ब क्या करते हो निकाल देते हो जलवनी करेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है, अगर यहाँ से अगर आपका बल्ब फ्यूज हुआ तो आगे करंट पास नहीं करेगा, तो ये पूरा पूरा बल्ब क्या हो गया बंद। पहले जमाने का जो होता था क्या चीज आप देखते बत्ती, वो श्रेणी क्रम में होता था, बहुत ज्यादा दिक्कत, एक बल्ब खराब जाएगा सारा बल्ब खराब, क्योंकि आप देख रहे हो कि अगर कोई भी बल्ब निकाल दो, अगर आप यहाँ से बल्ब निकाल देते हो, मान लो यहाँ से आपने बल्ब निकाल दिया तब भी क्या हो गया बंद, यानी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ से अगर ये भी यह वाला बल्ब फ्यूज हो गया या यहाँ से आपने बल्ब निकाल दिया तो यहाँ पर इधर से फिर करंट नहीं ना जाएगा, क्योंकि देखो करंट जाने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर प्लस माइनस, सर्किट बंद होना चाहिए पूरा, तो सर्किट बंद होना चाहिए, इधर से प्लस तो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से माइनस हम काट दिए माइनस जा ही नहीं रहा, क्या बात समझ में आ रहा है, इसी कारण यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, लेकिन फिर बल्ब लगा दो चला चकाचक आज का वाला बल्ब यहाँ पर फ्यूज भी बल्ब लगा दोगे तब भी नहीं काम करेगा, कोई बल्ब अच्छा बल्ब नहीं काम करेगा, तो ये सबसे खराबी है श्रेणी क्रम की, इसलिए घर में वायरिंग कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं होता है, हमेशा समांतर क्रम में ही क्या होता है घर का किया जाता है, इतना बात याद रखिएगा। अब हम लोग को क्या देखना है, देखो अभी श्रेणी क्रम में धारा ज्यादा रुक रहा है 2700 से कितना बल्ब जल रहा है, जो भी बल्ब जल रहा है लेकिन कम जल रहा है, भाई साहब 100 वाट के बल्ब है, जब जलता है तो बहुत ज्यादा ग्लो करता है कि नहीं, अब हम लोग क्या देखते हैं पैरेलल वाला यानी समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होना चाहिए ज्यादा जलना चाहिए है ना, 100 वाट के है तो यहाँ पर क्या करते हैं दिया नहीं जल रहा है, दिया नहीं जल रहा है, अब देखो समांतर क्रम में क्या है कि तीनों बल्ब का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, यही करना है हमें, पहला सिरा पकड़ लिए मान लो ब्लैक ब्लैक वाला कैसे जोड़ सकते हैं इसी करेंगे ठीक ना, तीनों का पहला सिरा पकड़ लिए, और पहला सिरा अगर पकड़ लिए तो पहला सिरा एक बिंदु पर जोड़ दिए, इसी से तीनों का पहला करके ना पकड़े हैं तो पहला मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा का पूरा इस तरीके से जोड़ता सिरे कहाँ करेंगे हम इस दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं, तो यही क्या कहलाएगा हमारा समांतर समांतर क्रम, समांतर श्रेणी में देखो अच्छा ये कुल मिला करके आप देखिए तीनों के तीनों बल्ब का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा यही वाला कुल मिला करके है, अब इसको देख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अब इसको लटका देते हैं इस तरीके से, अब दोनों तार को जोड़ देते हैं, अब इसमें देखते हैं ज्यादा जल रहा है ऑन करें कैसा जल रहा है, उससे ज्यादा जल रहा है एकदम ज्यादा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर तीन गुना तेज जल रहा है, तीन गुना चार गुना
तो ये बहुत ज्यादा चलता है। कौन है ये समांतर क्रम? समांतर क्रम में देख रहे हैं वहाँ पर प्रतिरोध का मान तीनों मान है, तीनों बल्ब का हम मान ले रहे हैं कि इहो बल्ब नौ संयोजन कर दिए ना, जी जोड़ ना दिए, तो संयोजन करने के बाद तीनों मार आते हैं, तीनों क्या करंट को रोक रहा है? बहुत कम करंट को रोक रहा है, ज्यादा और ये वाला ज्यादा करंट को रोक रहा है, क्या बात समझ आ रहा है? अब देखो अगर हम क्या करते हैं कि बल्ब एक मिनट से निकाल देते हैं, खास बात क्या होगी? तीनों जलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों जलेगा, आराम से दोनों जलेगा, कोई भी बल्ब निकाल दीजिए आप, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मान लो देखना ना, देखो मान लो यहाँ से हम क्या किया है, बैटरी से जोड़ दिए हैं, इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, यहाँ से प्लस इधर है माइनस, प्लस गया माइनस गया, अगर ये तार टूट गया तब वो तो प्लस दो में जेबी ना करेगा, इधर से आप इसको कबार दो तब भी ये माइनस जा रहा है प्लस जा रहा है, आप इसको भी खोल दो तब भी यहाँ पर एक रास्ता है, ये ना है हमारे पास जाने के लिए, है कि नहीं? ये तार में तो जेबी करेगा, तो हालत यही होता है कि कुल मिलाकर के ये इसी तरीके से काम करता है। आप देखोगे यहाँ पर धुआं कैसे दे रहा है? क्या मसाला पड़ रहा है सर? तो सब उसी तरीके से काम करेगा, मतलब सब जलना है, एक भी ऐसा होगा कि नहीं जलना है, समझ में आ गया? भारत माता की जय। फागुनिया मरने के बारात में लगते हैं। ये क्या बात करता है यार? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक बार समझ में आ गया? यस सर। फागुनिया की जय। रब भी खेल है खेले रोज लगावे मेले कहता कुछ ना बदला आगे स्वाद एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। आ, दबा दिया।